Salamat! माँ गंगा के तट पर शहीद आनंद पंचतत्व में विलीन हो गए। शहर के साथ आसमान भी रो पड़ा। मंत्री जवानों ने सलाम किया। जम्मू कश्मीर के मेढर सेक्टर में ग्रेनेड विस्फोट में शहीद हुए बिहार के खगड़िया का लाल कैप्टन आनंद पंचतत्व में विलीन हो गए। खगड़िया जिले के परबत्ता प्रखंड के अगवानी गंगा घाट पर राजकीय सम्मान के साथ कैप्टन आनंद का अंतिम संस्कार किया गया, जहां पर सभी लोगों ने नम आँखों से कैप्टन को विदाई दी। कैप्टन आनंद के अंतिम संस्कार में बिहार सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी, स्थानीय विधायक, डीएम, एसपी शामिल हुए। इस मौके पर भारी संख्या में मौजूद लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय और शहीद कैप्टन आनंद अमर रहे का नारा लगाया। इस दौरान भावुक कर देने वाला पल दिखाई पड़ रहा था। अपने बेटे के सब से लिपट कर उनकी माँ रो पड़ी थी। शहीद कैप्टन के माता पिता लिपट लिपट कर जार जार रो रहे थे। वीर बलिदानी बिहार के लाल कैप्टन आनंद कुमार के पैतृक गांव नया गांव शिरोमणि टोला में बुधवार की सुबह से ही दूर दूर से हाथों में तिरंगा लेकर लोग पहुंचे। नया गांव शिरोमणि टोला तिरंगे से फट गया था। हर कोई अपने वीर सपूत की एक झलक पा लेना चाहते थे। कैप्टन आनंद के अंतिम दर्शन को नौजवान, वृद्ध महिलाएं, बच्चे सुबह से ही उनके पैतृक आवास के आसपास जमे हुए थे। आम और खास हर लोगों की जुबान पर आनंद की बहादुरी की चर्चा थी। कैप्टन की अंतिम यात्रा से पहले उनकी मां की करुण पुकार सभी की आंखें नम कर दे रही थी। जैसे ही आनंद के पार्थिव शरीर को अंतिम यात्रा के लिए ले जाया जाने लगा, हजारों की भीड़ उस वाहन के पीछे पीछे चल पड़ी। भारत माता की जय और जब तक सूरज चांद रहेगा आनंद कुमार नाम रहेगा के नारे लगने लगे। अपनी माटी के लाल के अंतिम दीदार के लिए कई गाँव के लोग यहां पहुंचे। उमड़े सैलाब ने दिल से कैप्टन को सलाम किया। वहीं अगवानी घाट पर बिहार सरकार के मंत्री ने भी उन्हें अंतिम विदाई दी। पंचतत्व में विलीन हुए आनंद कुमार के स्वजनों को ढांढस बढ़ाते हुए विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने कहा कि वीर बलिदानी आनंद मेरे पंचायत के निवासी थे। उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है। खगड़िया की धरती वीरों की धरती है। उन्होंने कहा कि नया गांव शिरोमणि टोला में कैप्टन आनंद की आदमकद प्रतिमा स्थापित की जाएगी, उनका स्मारक बनेगा। Good evening.